So we just got a call in for a snake charmer, and according to the wildlife laws, it is illegal to have any snakes with you, or ऐसा कुछ भी अगर आपके पास मिलता है तो that is very wrong. It is not good, obviously. So we are just gonna rush, और अभी हम जा रहे हैं. ये लोग जनरली क्या करते हैं, दे टेक द कोबराज विद देम, क्योंकि कोबरा हुड करके खड़ा हो जाता है, अपना फन ऐसे दिखा देता है, एंड दैट इज दैट लुक्स क्वाइट गुड लोगों को देखने के लिए, तो इसको ये बहुत अच्छे से यूज करते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली एज यू गाइज माइट नो, वो वेनमस होता है, तो ये ब्लेड से उसके उसकी जो ब्लैडर होता है, वेनम ब्लैडर, जो जिसको जहर की थैली बोलते हैं, उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद उस पर फेरक्विक लगा कर या फिर कैसे भी स्टिचेस करके उसको रख देते हैं. कुछ टाइम बाद वो मर ही जाना होता है, या तो वो इन्फेक्शन से मर जाता है, और यही रीज़न है हम उसको वाइल्ड में नहीं छोड़ सकते. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रीज़न फॉर दिस, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम लोगों से ले भी नहीं पाते हैं ऐसे स्नेक. आई एम गोना एक्सप्लेन एवरी थिंग, सो वी आर जस्ट गोना गो, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, एंड देयर इज जाम अनफॉर्चुनेटली. I'll just introduce to my guys. This is Mr. Robin Singh. He is my elder brother also. And there is Deepak. You might have known this. This guy. This is our NGO, Fauna Foundation. This is my NGO. This is our NGO. We are working for the animals. जो भी need में है, we work for them. जहाँ भी cruelty होती है, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर. And it is in the process right now. मतलब it has begun. We have started working for it. It has been registered. It was like a dream come true. And this video, please watch this video and share this video. अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है, snake charmers दिखते हैं, तो please contact the wildlife department या फिर कितने भी NGOs हैं आसपास, if they are working for it, please let them know. And yeah, so here we go. Okay, so he is there. He's over there. Yeah, exactly. He's over there, sitting and making fun of the snakes, and we are gonna go, you know, and gonna see. He is our lovely Baba. Namaskar Baba ji. क्या हाल? बढ़िया, बढ़िया चल रहा है सब. क्या लिए हैं जरा हम देखें जरा. देखो देखो सर. हाँ जी सर. ये तो देखिए. Okay, so the venom sacs have been removed. As you can see. हाँ बेटा ठीक है. ओके, इसने खाया नहीं है बहुत टाइम से. ओके, सो यू कैन. बाबा जी कितने टाइम से है आपके पास? कितना साहब? इससे बहुत पुराना साहब है मेरा. कितना पुराना साहब है बाबा जी? 10-15 साल पुराना तो ही. 10-15 साल? नहीं नहीं बाबा जी, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे आपको, आप बस बता दो, हम पूछने ही आए हैं. हाँ जी, तो हमने बता दिए सब. सच सच बताए ना, ऐसे ना करें तो अच्छा रहेगा, है ना बाबा जी? ऐसे ऐसे ना करें तो. ओके, यू कैन सी इसको. क्लोज अप, क्लोज अप ले. बाबा जी 10-15 साल से हैं. आपने इसको खाना क्या खिलाया? मांस मच्छी. मांस मच्छी? मांस कौन सा देते हो आप इसको? ऐसा बोटी का. अच्छा, बोटी का, मुर्गे का. मुर्गे वर्गे का. अच्छा अच्छा, जैसे गरम करके देते हो या कैसे देते हो? ऐसा ही, जैसे वो तो गरम तो आता ही, जैसे मिलता. अच्छा अच्छा जी, तो आप कह रहे हो 10-15 साल से है, और आप पानी वानी पिलाते हो उसको? पानी भी पिलाते हैं. अच्छा, मच्छी भी पिलाते हैं. तो ये इसके जहर की थैली किसने निकाली? वो तो करना ही पड़ता है. वो कैसे कैसे निकालते हो? वैसे ही ब्लेड लगा के, वही करके? वैसे ही, जैसे. अच्छा, ब्लेड लगा के आप वो करते. अच्छा बाबा जी, दूसरा दिखाओगे आप जरा? हाँ. इसको हटा के जरा दूसरा क्या है. ओके, ही दिस. अच्छा, ये घोड़ा पछाड़. हाँ, ये तो पूजा कर रखी है इसकी, तो पूजा कर रखी है. लोग जोगनिया पूजा करते हैं. अच्छा जी, पूजा कर रखी है. दिस इज दिस रैट स्नेक गोना शेड. थोड़ा सा हर्ट है. डैम डैम स्लिम, बहुत ही ज्यादा कमजोर है. नहीं, वो अभी कैंचली पे है साहब. okay, देखो वो कैंचली. हाँ जी, शेडिंग जारी. हाँ जी हाँ जी भाई साहब. इसको क्या खिलाया आपने? इसको भी मांस मच्छी. इसको भी मांस मच्छी. अच्छा जी,
चलो अच्छा तो यू हैव टू स्नेक्स ओके बाबा जी और कितने सांप हैं आपके पास बस अच्छा अच्छा जी पीपल आर गैदर्ड ओवर हियर बाबा जी कहाँ से रहने वाले हो कहाँ के रहने वाले हो टीकरी टीकरी अच्छा आप तो यूपी का ही भैया हो यूपी का ही भैया हो क्या नाम है आपका धनपत सिंह अच्छा जी ओके किंग कोबरा 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 रैट स्नेक ये जो बाबा जी ने सांप ले रखा है इसको हम बोलते हैं कोबरा स्पेक्टेकल्ड कोबरा नाजा नाजा ठीक है और जो की पॉटियां कर रहा है दबा के इसका इसके ब्लेड मार के इसके साइड की थैलियां निकाली हुई है कुछ टाइम में ये सांप मर जाएगा ठीक है ये सपेरे लोग जो हैं ये इनको रखते हैं 3-4 महीने जिंदा रहता है फिर ये मर जाता है अरे ऐसी बात मत करो आप बहुत बड़े हो मेरी उम्र से आप बताओ आप ऐसे क्या कर आप हाइबरनेशन का सीन है देखो देखो मेरी बात हाइबरनेशन का सीन है ना 3 महीने के लिए सांप सो जाते हैं ठंडा पड़ा हुआ है पूरा सांप कैसे जिंदा रहेगा आप कुछ बताएं देखो यू कैन सी दीज ये सारा पूजा वगैरह का है ये टीका लगा हुआ है इसके यू नो ब्लैक मैजिक थिंग्स में दे यूज एवरी स्नेक सो वी समहाउ कन्विंस्ड हिम हमने उनको मनाया टू गिव अस द स्नेक तो ही गेव अस द रैट स्नेक फाइनली हमने किसी तरीके से मनाया आई सैट विद हिम फॉर ऑलमोस्ट 30 minutes और सो उनको अच्छे से बैठ कर समझाया उनसे बात की उसके बाद ही अग्रीड टू गिव अस द स्नेक कोबरा लेने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि अगर हम कोबरा को ऐसे रिलीज़ कर देते वाइल्ड में तो वो ज़िंदा भी नहीं बचने वाला था क्योंकि एक कोबरा के लिए इम्पॉसिबल होता है ज़िंदा रहना अगर उसके वेनम सैक जो है वो निकाल लिए जाए उसकी जो जहर की थैली है अगर वो निकाल लेते हैं तो कोबरा नहीं ज़िंदा रह सकता है तो अगर हम उनके पास छोड़ रहे थे तो इसका मतलब यही था कि उसकी थोड़ी सी एटलीस्ट थोड़ी लाइफ बढ़ रही थी ऑल्दो आई मेड हिम अवेयर अबाउट द सर्कमस्टांसिस जो जितने लॉज हैं बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड एंड बिलीव मी मैंने उनसे बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं की आई कुड नॉट डू एनी डिसरेस्पेक्ट क्योंकि वो मेरे से एज में इतने ज़्यादा बड़े थे एंड आई डिडंट लाइक इवन यू नो टॉकिंग टू हिम अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स जिसमें वो गलत हैं पर येस इन द एंड इट कम्स टू द एथिक्स और एथिक्स यही कहते हैं कि आप ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा गलत सीन होता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं सो या फाइनली समहाउ वी गॉट द स्नेक स्नेक की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी जो कोबरा था उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी ही हैड एन इन्फेक्शन इन द माउथ ऑल्सो इफ़ यू गाइज वुड हैव सीन तो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ अगर आपको कोई भी मदारी दिखता है कोई भी सपेरा दिखता है प्लीज़ डोंट गिव देम एनी मनी अगर वो कहते हैं कि ये सांप को छू लो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा या फिर ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो प्लीज़ डोंट एवर बिलीव देम ऐसा कुछ नहीं है इट्स अ स्कैम और बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी होती है इन सांपों पे जब तक ये मर नहीं जाते तब तक ये लोग उन सांपों को रखते हैं दे डोंट इवन नो हाउ टू फीड देम बहुत ज़्यादा बुरा सीन होता है जो असली सपेरे जो ऑथेंटिक सपेरे होते हैं एज इन दे वर ट्राइब्स जो कि गांवों में रहती हैं दे डोंट इवन डिफैंग द स्नेक्स वो उनके जहर की थैलियां भी नहीं निकालते हैं ना ही उनके दांत तोड़ते हैं तो प्लीज़ डोंट बिलीव अगर आपके सिटी के आसपास कोई घूम रहा है सांप लेकर डोंट बिलीव देम हो सके तो प्लीज़ कॉल अप द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या पुलिस को फ़ोन कीजिए टेल देम अबाउट द सिचुएशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन किसी भी तरीके से क्रुएल्टी होती है किसी भी जानवर पर चाहे वो सांप हो चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो बंदर हो प्लीज़ स्टेप अप अगर आप चाहेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे अगर आप ढूंढेंगे उनको तो आपको वो मिल जाएंगे प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन देम ये भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने और भी हमारे एनिमल्स इम्पॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम
और अगर कोई भी सपेरा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके ऊपर ये सब लिखा हुआ है किंग कोबराज एंड कोबरा कोबरा, दिस इज ऑल फेक, क्योंकि कभी भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कभी भी नॉर्थ इंडिया में रहने वाले किसी भी इंसान को किंग कोबरा नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि वो साउथ इंडिया में रहता है. एंड आई हैव सीन, हमने काफ़ी सारे ऐसे सपेरों से बात की है, उनसे सांप लिए हैं और रिलीज़ किए हैं वाइल्ड में या फिर आगे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरवर्ड किए हैं. सबके पास एकदम सेम डॉक्यूमेंट होता है, सो इट इज़ लाइक अ स्कैम गोइंग ऑन. ये बहुत पहले गवर्नमेंट दिया करती थी जो ऑथेंटिक स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे, जैसे कि मैंने बताया, जो सांपों के दांत भी नहीं काटते ना ही वो उनके जहर की थैलियां निकालते हैं, उनको दिया करती थी गवर्नमेंट. पर अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस ऐसे पेपर दिखा देते हैं जहां से इन्होंने सांप खरीदे होते हैं. हाँ, वो उनका उनका टेस्ट अलग होता है ना यार. यही है ना? हाँ यही है. बहुत बढ़िया सर. सो एवरीवन, दिस इज आवर लवली मोहन सर. क्या लिया है? रात ने कहा सर, रात ने कहा सर, रात ने आईज भी स्किल हुआ. हाँ एकदम वही हुई है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा उसको, चोटी लगी है. पूजा पूरा पूजा किया हुआ था, चावल वगैरह डाले हुए थे और पता नहीं क्या क्या किया हुआ था. इसको बैग में रख दो.